राज साउथ वर्सेस नॉर्थ की लड़ाई में जीत किसकी होगी यह तो पता नहीं, मगर एक बात पक्की है, हमें एक से बढ़कर एक मूवी देखने को मिलेगी। मगर अब भी साउथ एक से बढ़कर एक मूवी बना रहा है, बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन डायलॉग्स, बेहतरीन एक्टर्स, बेहतरीन एक्टिंग। राहुल जी, बॉलीवुड पूरा खत्म। तो आज हम बात करेंगे साउथ की अपकमिंग मिस्टीरियस मूवी बनारस की, जिसका ट्रेलर आ चुका है। तो आज इस मूवी का रिव्यू करेंगे। यह एक कन्नड़ा लैंग्वेज ओमा ड्रामा मूवी है। इसमें मुख्य भूमिका में जैद खान, सोनल मेंटोरो देखने को मिलेंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ के फेमस डायरेक्टर जय तीर्थ ने। अब बात करें मूवी के ट्रेलर की, तो ट्रेलर देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करने वाली है। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है मूवी की स्क्रिप्ट को कितनी बारीकी से लिखा है, जिसमें बनारस और काशी के कल्चर को बहुत खूबसूरत से दिखाने की कोशिश करी है। जहाँ पर इस मूवी को बनारस के 12 अलग अलग घाटों में फिल्माया गया है, जिसमें से कुछ पॉपुलर घाट मुक्ति भवन और भारती माता मंदिर हैं। बेसिकली मूवी में बनारस का हिंदुत्व में जो सिग्निफिकेंस है, उसे ध्यान में रखकर हर पहलू को टच करने की कोशिश की गई है, जो बनारस और काशी को अलग ही नाम देता है। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इसमें एक लड़का सिद्धार्थ होता है, जो कि बाय प्रोफेशन एस्ट्रोनॉट होता है। एस्ट्रोनॉट माने अंतरिक्ष यात्री, जो लोग अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करते हैं। सिद्धार्थ अपनी रिसर्च के लिए बनारस आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की धानी से होती है, जो उसे बनारस के कल्चर के बारे में बताती है, और उन दोनों में बहुत ही गहरा वाला प्यार हो जाता है। मगर बहुत स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई धानी को किडनैप कर लेता है, और सिद्धार्थ को वो किडनैपर धानी को वापस पाने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है। और टेलर को देखने के बाद हमें यह समझ आता है कि धानी को छुड़ाते टाइम सिद्धार्थ के साथ कुछ अजीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाता है, जो मूवी को मिस्ट्रिक और थ्रिलिंग टच देते हैं, जो कि देखने पर और भी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो जाता है। साथ इस मूवी में आपको टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलने वाला है। टेलर देख कर समझ में आ रहा है धानी की किडनैपिंग के बाद सिद्धार्थ के साथ फ्यूचर में इंसिडेंट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, टेलर में दिखाया गया है धूम फॉर मूवी लगी है, जो कि अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। साथ में एक बच्ची सिद्धार्थ को बर्थडे विश करती है, जो कि पास में एक सड़क के किनारे एक छोटी सी टपरी लगाती थी, पर उसके पास एक अच्छी खासी शॉप होती है। इन घटनाओं की वजह से सिद्धार्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि यह सब उसके साथ कैसे और क्यों हो रहा है। क्या सिद्धार्थ इस टाइम ट्रैवलिंग की मिस्ट्री को सुलझा पाता है, ये देखने लायक होगा। साथ ही धानी के साथ क्या हो रहा है, और वो लोग कौन थे जिन्होंने धानी को किडनैप किया था, उनके पीछे उनका रियल इंटेंशन क्या था, क्या ये सिद्धार्थ के पास से जुड़ा हुआ था, या फिर बनारस की किसी ऐसी घटना से जुड़ा हुआ था, जिसके रहस्य के बारे में हमें मूवी में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ट्रेलर को देखने के बाद मैं बता सकता हूँ बॉस, मूवी में दम है। अगर ये सिंपल लव स्टोरी होती तो शायद ये इतनी इंगेजिंग नहीं होती, मगर डायरेक्टर ने मूवी में लव एंगल के साथ सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है बहुत। इसलिए ट्रेलर देखने के बाद मूवी देखने की क्यूरियोसिटी मेरे मन में अभी से उठने लगी है। आप लोगों को मैं बता दूं, यह मूवी 4 नवंबर को पैन इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। बनारस मूवी को इंडिया में 5 लैंग्वेज में रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम लैंग्वेज होगी। तो आप इसे 4 नवंबर को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में अपनी ही लैंग्वेज में देख सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है यह मूवी आपको निराश नहीं करेगी। अगर आपको कार्तिकेय 2 पसंद आई थी, तो यह मूवी भी आपको पसंद आएगी। मूवी में जो भी सॉन्ग्स फिल्माए गए हैं, वो सारे सॉन्ग्स लाजवाब हैं। मुझे इस मूवी में जो सबसे अच्छी बात लगी, वह यह है कि इसमें भारतवर्ष की पुण्य भूमि बनारस का एंगल दिखाया गया है। बाकी आप ट्रेलर देख के बताएं और मुझे कमेंट करें आपको यह ट्रेलर कैसा लगा। और अब मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।